मैं ऐसा मानता हूं कि जो सेवा का क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और आज जिस प्रकार से मेहनत करके हम देख सकते हैं यहां सारे डॉक्टर जो काम करते हैं सारे सेवाव्रती है, सबके मन में भावना सेवा की है। शायद यहां की जगह अपना समय कहीं और दे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा ये ध्येय ही नहीं है, सेवा ये ध्येय है। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी ने यहां पर ये सारा प्रवास हमारे सामने रखा और उनका स्वयं का बहुत बड़ा योगदान उसमें है, और योगदान देने वाले कई लोग आज यहां पर मौजूद है, आज नर्सिंग कॉलेज हो या हृदय रोग चिकित्सा सेवा केंद्र हो, इनका उद्घाटन हुआ है। और साथ में क्योंकि जो संघर्षशील लोग होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, 50 वर्ष पूर्ण हुए इसका तो आनंद है ही, लेकिन 50वें वर्ष एक नया संकल्प कि अब लोगों की सेवा में 250 बेड का हॉस्पिटल देना है, ये नया संकल्प आज यहां पर लिया गया है। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर का कार्य है, और जैसा आपने कहा संघ कार्य में कभी कमी पड़ती नहीं है, कहीं ना कहीं से मदद आती है, तो मेरा विश्वास है कि ये 250 बेड का हॉस्पिटल का जो सपना आपने देखा है इसको भी निश्चित रूप से आप पूर्ण कर पाएंगे, और आपके इस कार्य में जो भी सहयोग मैं भी स्वयं कर पाऊंगा मैं निश्चित रूप से करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे भी निमंत्रित किया। और कई बार ऐसे कार्यक्रम ये एक प्रकार से इतिहास में दर्ज होते हैं और उसमें अपना भी नाम जुड़ जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपने यहां पर निमंत्रित किया इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।